टुडेज व्लॉग. हम भाग रहे हैं इस टाइम गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव में जहाँ हम सबसे पहले रह रहे थे वो पापा का ही फ्लैट था और वो बहुत टाइम खाली पड़ा हुआ था, इसलिए हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे. क्योंकि द्वारका में हम लोग रह रहे थे तो यहाँ पे पिजन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो उस टाइम अंकुश और मेरे को दोनों को ही गले में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया था. तो पहले हम द्वारका रह रहे थे, फिर हम वहाँ से पापा वाले फ्लैट पे शिफ्ट हो गए थे गुड़गांव में. तो वहाँ से जो हमने अपना फ्लैट लिया है अभियान के होने के बाद, वो भी गुड़गांव में है. तो जो अब पापा वाले घर में अभी हमारा थोड़ा सा सामान वहाँ पे रह गया था, तो वहाँ पे सफाई होनी है और वाइट वॉश वगैरह शायद दोबारा होना है, तो वो सामान लेके हम लोग अपने वाले फ्लैट में रखने जा रहे हैं. क्योंकि वहाँ पे एक झूला पड़ा हुआ है, झूला और चेयर टेबल वगैरह पड़ा है और कुछ कुछ सामान है जो बाथरूम एक्सेसरीज और ये सब पड़े हुए हैं. मंदिर भी रखा हुआ है वहाँ पे, तो वो सब लेके हम लोग या तो देखेंगे अगर गाड़ी में आ जाएगा सब ठीक है, पर झूला नहीं आ पाएगा गाड़ी में. तो हम लोग देखते हैं कि कोई छोटा टेम्पो वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, छोटे टेम्पो में सारा सामान आ जाएगा. पर अगर छोटा टेम्पो नहीं मिला तो फिर हम लोग झूला छोड़ के बाकी सारी चीजें गाड़ी में उठा के फिर अपने घर पे रखने जाएंगे. तो जो लोग द्वारका एक्सप्रेस वे पे जाते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि ये साइड वाली रोड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ये रोड के बहुत बुरे हाल थे. अभी हम अपोजिट रोड पे हैं क्योंकि जिस रोड से हमें जाना है वो रोड वो है, पर ये बन रही है, पूरी रोड बन रही है और उसके बाद शायद ये वाली रोड का नंबर आएगा, पहले वो बन जाएगी फिर ये बनेगी, तो सारी रोड्स ठीक होने वाली हैं यहाँ पे. तो हमें दुनिया की सुपर फास्ट लिफ्ट में, मतलब एक सेकेंड लगता है, बंद करो और ऊपर एकदम से खुल जाती है लिफ्ट. तो ये था घर जहाँ हम रहते थे. खुल रहा है, रो मत पड़ना, अब तुम यहाँ खड़े होके. अंकुश बोल रहे जब हम रह रहे थे यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तब ये स्विमिंग पूल नहीं भरा हुआ था और अभी स्विमिंग पूल चकाचक भर दिया इन्होंने. अब जाके नहाने का मन कर रहा अंकुश का. तो ये सोसाइटी बड़ी अच्छी है, वह बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हैं, तब इनकी मेंटेनेंस भी इतनी ज़्यादा है. पर ठीक है, जो रहता है और जिसको साफ सुथरा मिलता है, इतनी फ्रेश एयर है यहाँ पे तो उसके लिए अच्छा ही है. कितने फ्लोर हैं इसमें? 23 या 24 फ्लोर हैं. बहुत अच्छी है लेकिन ये सोसाइटी. तो मेरी तो होगी यहाँ पे लास्ट वीडियो, क्योंकि जो हमारा सामान पड़ा है अब हम वो ले जाएंगे यहाँ से. अब यहाँ पे आने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब जो यहाँ जो इसको परचेज करेगा अब तो वही रहेगा यहाँ पे. हाँ हेलो, रो तो नहीं रहे, मुँह छुपाए. तो हम कर रहे हैं टेम्पो का वेट, टेम्पो आएगा तो उसमें सामान और वो झूला वूला रख के फिर ले चलेंगे अपने घर. तो ये मेंटेनेंस है यहाँ की, और हमारी बालकनी से वो पूल दिखता था सामने. सामने पूल था और यहाँ पे ये पूल था सामने, और ये है वो बास्केटबॉल कोर्ट है नीचे, ये डेयरीज वगैरह सब यहीं पे है, कहीं जाना नहीं पड़ता. चलते हैं हम यहाँ से, बाय बाय अलविदा. तो हमारा था इतना सामान, ये सब जो रह गया था जो अभी जाना है, ये मंदिर, और ये तोड़ भी दिया है इन्होंने जिन्होंने यहाँ पे डाला होगा स्टोर रूम में. ये मॉस्किटो नेट था और ये हमारा झूला. तो ये सारा सामान अभी जाना है टेम्पो में. तो सामान हमने रख लिया, ऑलमोस्ट नीचे उतार लिया बेसमेंट में, और टेम्पो अरेंज हुआ है बड़ी मुश्किल से हुआ है, बारिश हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये देखो नीचे नहा लो जाके. तो यहाँ पे हो रही है बारिश गुड़गांव में और इसलिए टेम्पो आने में बड़ी मुश्किल हुई है. अब बस सामान हमने उतार लिया, झूला रह गया, वो टेम्पो वाला भैया आएगा तो वो हेल्प करा देगा झूला उतारने में. तो हम कर रहे हैं उसका वेट, तब तक हम कर रहे हैं वेदर एंजॉय. और सबसे बढ़िया यही है कि यहाँ पे अभी ज़्यादा बिल्डिंग्स आसपास नहीं है तो ये पूरा खुला दिखता है हमें. हाँ, किसी को 4BHK की रिक्वायरमेंट हो तो बता देना मेरे को, बहुत अच्छी सोसाइटी है ये. ये नहीं, फ्लैट हाई फ्लैट दिख रहे हैं, तो वहाँ पे ना क्या
ये फ्लाईओवर बन रहा है जो द्वारका निकलेगा सीधा कनेक्ट हो रहा है। तो झूला हम खुद अनपैक करने लगे क्योंकि वो भैया टेम्पो वाला आएगा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ, तो हम निकालने लगे झूला। तो फाइनली हमारा सामान हो गया पैक, इसमें आ गया सारा। बस एक लंबी रॉड रह गई है, वो भी डालनी है इसमें, तो अंकुश लेने का है ऊपर। क्या रहा हो गया बस। तो व्यान ने कर लिया पूजा, पापा अंकुश, मोस्टली पापा ही जब भी आते हैं जोत लेके कमरे में या मंदिर के वहां पे, तो ये अपने आप खड़ा हो जाता है और हाथ पकड़ के पूजा करने लगता है। अभियान जय जय, अभियान सुनो जय। अभियान है बहुत ज्यादा बिजी तिगड़मबाजी में। कहा कर ले हैं, कहा कर ले हैं अभियान। अभियान नहीं सुनेगा ये, कहा कर ले। तो हमारा काम कल हो गया था वहाँ पे, हम आके इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि आने में इतना टाइम लग गया, वो टेम्पो वाले ने बहुत टाइम लगा दिया आने में वहाँ पे। तो 9:30 बजे 4 बजे के अराउंड हम लोग गए थे और 9:30 बजे हम लोग वापस आए हैं रात को घर। और उसके बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि सारा सामान ऊपर सेकेंड फ्लोर से पहले वो बेसमेंट पे, मतलब सारा उठाना तो पड़ता ही है लिफ्ट तक रखने के लिए भी, तो वो वहाँ से उठा के बेसमेंट में लेके गए और उसके बाद बेसमेंट से टेम्पो में रखवाया क्योंकि वो टेम्पो वाले आए थे, तो उन लोगों के नखरे इतने होते हैं कि वो सामान नहीं रखेंगे, तो हमने हेल्प ही कराया उठवाने में भी। और सामान रखने के बाद जहाँ पे हमने उतारा अपने घर पे, फिर वहाँ पे उतार के भी फिर हमने ऊपर ऊपर लिफ्ट्स में लेके गए बड़ी मुश्किल से, और फिर वहाँ भी उतारा, फिर घर में लेके गए अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। तो वापस आके फिर और कुछ शूट किया नहीं था, और अभी आज सुबह से चल रहा था काम, काम इसी का, इस हस्ती का काम ही चल रहा था सब कुछ। हाँ हेलो अभियान, म्याऊ म्याऊ। हाँ क्या मिल गया, अल्फाबेट निकाल लिया, मार्केट जाना था वहाँ भी नहीं जा पाए। अभियान बाय, अभियान बाय। हाँ बोलना तुम्हें कुछ अपने इनपुट्स। बाल छोटे हो गए ना थोड़े थोड़े, छोटे हो गए कि छोटे करा के आए हो। इस बार मैं अलग से अच्छे से कटिंग करवाई है, अच्छी जगह से कटिंग करवाई है, अच्छी जगह से करवाई थी, बट वो उन्होंने जल्दबाजी चक्कर में खराब कर दी। इस बार मैं बोल दिया भाई पैसे दूंगा ना, भाई हेयर स्टाइल खराब हुआ, हेयर स्टाइल हो, हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल, ओ माय गॉड। भाई एक ये है जो इस कोने पे खड़े होके शीशा देखता है, और एक ये है हमारे घर में, बाहर को टाइम नहीं है शीशा देखने का, पूरे दिन कुछ भी है कैसे भी बाल, मतलब कभी कभी तो ये होता है कोम करने का भी टाइम नहीं होता, हाथ मार के ठीक कर लेते हो, बाल फटाफट बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, खाना वाना खा लेते हैं और फिर सोएंगे। इस व्लॉग में